हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुंजा, गुजिया या करौंजी, जो भी नाम से ये जाना जाता है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये दो तरह के बनता है, एक मावा का और एक रवा का। आज हम बनाएंगे रवा वाला गुंजा। तो रवा की गुंजा बनाने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रवा, 1/2 कप पीसी चीनी, 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप अपना जो ड्राई वाला कोकोनट होता है उसको भी आप किसके ले सकते हैं। और 1/2 कप खसखस, 1 टीस्पून इलायची और थोड़ा सा घी। सबसे पहले हम पैन में घी डाल देंगे। घी हमें जस्ट थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। और इस रवे को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें, बस ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट। इसलिए करते हैं ताकि इसको तो एक तो रवे का कच्चापन भी चला जाता है, दूसरा घी में इसलिए रोस्ट करते हैं ताकि हम कोई भी जब मिठाई बनाते हैं तो वो हल्की सी घी की बाइंडिंग हो तो खाने में टेस्टी लगती है। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, कोई पिंकिश नहीं करना है, कुछ नहीं, बस हल्का सा ऐसे भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आप भून लीजिए, वो काफ़ी है। इस फिलिंग में आप जितना चाहे उतना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू, बादाम और चिरौंजी, ये काफ़ी चीज़ें भी डाल सकते हैं, बट हमें बिना उन चीज के ही अच्छे लगते हैं। ये स्टफिंग में कोई हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसा ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम ऐसा ही टेस्ट बनाएंगे। और ये स्टफिंग बना के आप महीने भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप जब चाहे जब आटा लगा लीजिए और गुजिया बना लीजिए। तो देखिए ये हल्का सा ड्राई रोस्ट हो गया है, अब मैं ये एक प्लेट में निकाल लूँगी। नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये जो नारियल है ये भी हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। नारियल के साथ साथ ही हम खसखस को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। याद रखिए नारियल को हमें ज़्यादा नहीं कसना है, वरना उसका ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, उसका जो तेल है वो निकल जाएगा। हमें बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि उसमें थोड़ी सी क्रंचीनेस आए खाने में। नारियल थोड़ा सा सिक जाता है तो वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट ये सी चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें नारियल को जलाना नहीं है, हल्का सा उसे रोस्ट करना है। देखिए ये भी हल्के से रोस्ट हो चुका है और मस्त इसमें स्मेल आ रही है, और चिड़चिड़ जो स्मेल आ रही साउंड आ रही है वो मतलब इसका अच्छे से रोस्ट हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस इस पॉइंट पे हम इसे रोक लेंगे। देखिए ये मिक्सचर को अब हम रूम टेम्परेचर में 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छा हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ये चीनी पाउडर और इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। तो इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, तब तक हम बनाते हैं इसके ऊपर का स्किन की तैयारी करते हैं, यानी मैदे की जो कोटिंग होती है ऊपर उसकी तैयारी कर लेते हैं, जब तक इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। तो अब हम गुंजे का आटा बना लेंगे। आटा बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 1.5 कप मैदा, ये है 1 कप और ये है 1/2 कप मैदा। और याद रखिए ये जो रेसिपी है ये स्वीट रेसिपी है, इसीलिए हम आटे में नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, चुटकी भर नमक। नमक डालने से आटा थोड़ा खस्ता बनता है। और अब इसमें हम डालेंगे घी का मोयन। जब भी हम मैदे की कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मैदे का कोई स्टोरेबल आइटम बनाते हैं, चाहे वो नमकीन हो, नमक पारे हो या पेठा हो या इस तरह से गुंजा हो, उसमें हमेशा मोयन घी का ही डालना चाहिए। 2 टीस्पून जितना घी लिया है मैंने, ये भारी वाला घी है, अच्छा वाला घी है, यही घी लेना चाहिए हमें हमेशा। और इसे एक बार हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह हाथों से ही मिक्स करना है, अच्छे से रमा लेना है आटे के अंदर। तब तक मिक्स करेंगे जब तक आटा बनने ना लग जाए। जैसे हम मुट्ठी में जब आटे को लेंगे तो आटे का एक लोई जैसा ऐसे गट गट लड्डू जैसा बनना चाहिए। और अब हम कुनकुने पानी से ये आटा गूंद लेंगे। और हमें एकदम टाइट आटा गूंदना है, ना
बहुत एक्सट्रीम टाइट नहीं होना चाहिए और नरम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंद लेंगे। कि ऑलमोस्ट हमारा आटा लग चुका है, ये देखिए ये कितना टाइट है। बस इसी तरह हमें आटा लगाना है और अब इस आटे को हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए ये मिक्सचर जो है ठंडा हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खसखस नारियल वगैरह की। और जैसे मैंने बताया था, हाफ कप हमें इसमें शक्कर डालना है। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। मैं भी थोड़ा कम कर रही हूँ। इलायची पाउडर डाल देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। ये स्टफिंग आप एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं और आप जब चाहे गुजिया या गुंजे या करौंजी, जो आप इसे बोले, बना सकते हैं। देखिए आटे को रेस्ट करें, हमें 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम आटे को प्लेटफॉर्म पे हल्का सा तेल लगा के इसे अच्छे से मथ लेंगे। और इसे हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे। सारी लोइयों को हम अच्छे से गोल करके इस तरह फ्लैटन कर लेंगे, उनके ऊपर हल्का सा तेल लगाकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुंजे को हमें बेलना कैसा है और उसे शेप कैसे देना है। आज मैं आपको दो तरह के शेप सिखाऊंगी, एक तो कंगूरे वाले जिसमें हम इसमें रिंकल्स लेते हैं और दूसरा सूरज की किरणों वाला शेप। दोनों ही हाथों की कलाकारी से बनते हैं। नहीं, अगर आपको वैसा नहीं करना आए तो आप फोक से भी दबाकर या जो गुंजा का स्पून आता है कट करने वाला, लास्ट में वो भी बता दूंगी मैं आपको, उससे भी कर सकते हैं, वो इजी तरीका होता है। पर ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दो डिफरेंट स्टाइल्स, ये ट्रेडिशनल तरीका है। देखिए इस तरह से हम एक लोई को बट लेंगे और उंगली इस तरह से रख के हमें 1.5 स्पून स्टफिंग इसमें डालनी है। इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, पर वो टाइटली स्टफ्ड हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। हम पानी का हाथ लेंगे और इस तरह से हल्की फिंगर साइज में लगा देंगे, बस हाफ ही लगानी है हमें इस तरह, और इधर का हिस्सा उठा के हम उसे इस तरह से पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पैक कर दिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दो तरीके की ट्रेडिशनल फिलिंग का डिज़ाइन बताऊंगी कि कैसे करना है। पहले इस हिस्से को अच्छे से फ्लैटन कर लेंगे और अब इस तरह से दो उंगलियों को पकड़ के हमें ऐसे इसे फोल्ड करना है, एकदम बारीक फोल्ड करना है। फिर ये जो बाहर की साइड हिस्सा आ रहा है उसे हम पकड़ के फिर से फोल्ड करेंगे। यहाँ जो बाहर आ रहा है फिर उसे पकड़ेंगे, फिर बाहर आया फिर उसे पकड़ेंगे, इसी तरह हम करते जाएंगे। तो ये देखिए आप, ट्रेडिशनल जो रिंकल्स है, कंगूरे है, वो बन रहा है। बस इस तरह से हमें उठाते जाना है, दबाते जाना है, उठाते जाना है, दबाते जाना है, अपने आप ही वो कर्ल्स बनते जाएंगे। ट्रेडिशनली जो दूसरा तरीका है वो बताती हूँ और वो है सूरज की किरणों वाला डिजाइन। तो उसके लिए इसी तरह से हम उंगली रख लेंगे यहाँ पे और स्टफिंग डाल देंगे
उसी तरीके से हमें पैक करना है बॉर्डर को। इस तरह से इसे फ्लिप कर देंगे और इस तरह से इसे दबाते हुए उंगलियों से पैक कर देंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है वरना स्टफिंग बाहर आ जाएगी। ये हो गया। अब हम एक नाइफ लेंगे, नाइफ से हल्का सा कट करेंगे साइड में और उस कट करे हुए हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे। प्रेस करते हुए हमें फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड, फिर कट, फिर फोल्ड, फिर कट, फिर फोल्ड। इसी तरह कट फोल्ड करते हुए हम सूरज की किरणों वाला, या आप कह सकते हैं सनफ्लावर डिज़ाइन, हम यहाँ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। पर्सनली ये मेरी फेवरेट डिज़ाइन है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखती है बनने के बाद। इसी तरह से एंड तक हमें ले जाना है। ये कितनी सुंदर लग रही है। फ्राई होने के बाद भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपको दो कन्वीनियंट तरीके बताती हूँ। अगर आपको ट्रेडिशनल ये वाले तरीके करना ना आए तो बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से एक ले लेंगे, स्टफिंग डाल देंगे, पोटली पैक कर लेंगे। ये तरीके काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं। ठीक है उतने अच्छे नहीं दिखते बट काम चल जाता है। बाज़ार में इस तरह का एक गुजिया कटर मिलता है, बस इस तरह से हमें पैक करने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्किन है उसे हम इस तरह से ट्रिम करते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया एक ट्रेडिशनल नॉन कन्वीनियंट तरीका। ये अच्छे से पैक हुई है, बिल्कुल भी कहीं पे खुलने का डर नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और इजी तरीका जो काफ़ी ट्रेंडिंग है। इस तरह से हम एक फोक लेंगे और फोक की मदद से ये जो किनारे हमने सील किए हुए हैं दबा के, उनको इस तरह से वापस दबा देंगे तो ये डिज़ाइन भी बन जाती है और ये गुजिया परफेक्टली पैक भी हो जाती है। गुजिया तेल में छोड़ते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से हम एक एक करके गुजिया इसमें डालते जाएंगे। देखिए पीछे साइड थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अब इसमें से इस तरह से पलटा लेंगे। गुजिया को हमें गोल्डन नहीं करना है, वाइट वाइट ही, जैसे नमक पारे हम तलते हैं वैसे ही वाइट ही तलना है, इसीलिए तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। दूसरी साइड भी हो चुका है, दूसरी साइड भी हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे। फर्स्ट वाली साइड को हम वापस थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। देखिए आप हल्का गोल्डन कलर आया है सेकंड साइड में, उसी तरह हम फर्स्ट साइड में भी आने देंगे हल्का कलर। देखिए इस तरह से गुजिया हमारी दोनों साइड से हो चुकी है, बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे गुजिया को अच्छे से तलकर रख लिया है। जैसे मैंने कहा था आपको, मैंने चार डिफरेंट डिजाइन बताए, ये दो ट्रेडिशनल, ये सनफ्लावर वाली, ये कंगूरे वाली, ये फोक वाली और ये सिंपल कटर वाली। तो इसी तरह आप भी गुजिया बनाइए और इस फेस्टिव सीजन में एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू ऑल, बाय बाय।